श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय विवाहिता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़की के पिता ने पुलिस को नामदर्ज लोगों के खिलाफ तहरीर देकर लड़की को बरामद तथा आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीती 20 सितंबर को विवाहिता अंजना देवी की तबीयत खराब थी, जो घर से अपनी छोटी बहन के साथ इलाज करवाने कलशपुर चौराहे पर गई थी। चौराहे पर पहले से ही पृथ्वी पुत्र रामजस निवासी सलवीरिया थाना इकोना बैठा हुआ था, जो अंजना देवी को जबरन अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया और उनकी छोटी बहन को घर पर ना बताने की धमकी दी। छोटी बहन रोते हुए घर पहुंची और घटना के बारे में अपने परिवारजनों को जानकारी दी। जब अंजना के पिता ने पृथ्वीनाथ के घर जाकर पूछताछ की तो पृथ्वीनाथ गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। मामला बढ़ता देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तब पृथ्वीनाथ ने बताया कि उसकी लड़की अंजना देवी को सुरेश पुत्र शिव कुमार निवासी पीपरी अकबरपुर अपने साथ ले गया है। 10 दिन का मौका दीजिए, आपकी लड़की को वापस दिला दिया जाएगा, ऐसा कहना था इस दौरान पृथ्वीनाथ का। अंजना के पिता की माने तो पृथ्वीनाथ लड़कियों को नशे की दवाएं खिलाकर उनका खरीद फरोख्त भी करता है। बेटी हमारे गई रही दवाई करावे और हम चले गए ना लड़की को दवाई करावे बाजार और आधे का ना चौटगरा पे यहाँ दुकान बंद रही। वो दुकान बंद रही तो लौटी आवत रही, फिर थे और सूर्य से मिले तो पकड़ी हाथ बड़ कई बिटिया बैठा लेन। तब छोटकई बिटिया कहीं ले गया कुछ दूर आधे रास्ते में तक उतार दीन। कहीं की तुका जब घरे बताइ हो अपने अम्मा बप्पा चना तो मारी कर बहा दे बोरी कर बिटिया हमार रोते हमारे घरे चली आए। हम चलोगन बताई समनाई रहे जब आए संजक जा नहीं पाए तब देर रहा पारा फिर थी अब सूर्य से लग गए बिटिया हमार बताई तब हम जा नहीं पावा। तो इस संबंध में आपने कहीं थाने पर तहरीर दिया? हाँ थाने पर यहाँ तहरीर दे आए। आज हो गया 6 रोज दूर दूर जाई है और सुनवाई कोनो है नहीं, कुछ कहते नहीं है, ऐसे मनमाने से बैठिया है। आज तक के कोनो सुनवाई नहीं हुआ और रोज जाई थे दूर दूर के। हमारे बेटिया दोनों दवाई करावे गई रहा और वहाँ गई तो वहाँ दवाई नहीं दुकान बंद रहा तो मैं पहुंचे जब आधे हरदम तो वहीं आया सूर्य से पीछे पहले आया तो सूर्य और उन्हों आया तो वहीं टाक के रहे मोटरसाइकिल कहीं चलो हम वहाँ दवाई करवाई दी बलुहा। तो हमारे बिटिया कहीं ना हम ना जाइबे तो जबरजहती बैठा लीन बड़ कई बिटिया तो हमारे डर कर मारे वहाँ बिटिया बैठ ली मैं झिलक्यू बस ये गए बस ढर्रा मामा का ढकेल दीन कहीं तो कहीं हमारा बोर देवे और हमारे बिटिया रोते घर का चली आए कहीं सबने पप्पा अम्मा सब बता देवे हमारे बिटिया के लेके भाग गया और हमारे साहेब थाने सुनवाई ना होता है। आज 6 रोज हमारे परिवार हियारत है अब हम का करी। दीदी गई हम घर से ले गए ना दवाई करावे। जब दीदी के घर से दवाई करावे ले गए ना तब वहाँ जब पहुँचे ना तब दुकान बंद रही। जब दुकान देखा का बंद तो हम कहें कि चलो दीदी घरे। तब जब घरे चल दिया गा तब जोन पुल्हा है वह हुआ पा वहाँ पुल पर आ तब पुल पर वहीं फिर थे सूर्य दो जने पहुँच गए। तब वहीं कहें चलो हम तो हर दवाई कराई दी तो हम लोग कहा हम दीदी कहा ना जीबे तब वहीं कहें कि ना ही तू चलो। तब दीदी जबरदस्ती पकड़ के बैठा लेन तब हमू गए बैठ लिये। तब जब आधे रास्ते में पहुँच गए तब हम उतार दीन तो कहें कि तू चुप्पे घरे चली जाओ नहीं तू का नहारी बोरी देवे। तब हम कहें कि जाई थे अपने महतारी बाप से जाई थे जुड़ते बतेबे। तब जब कहें जुड़ते जब कहें बतेबे तब हम चली आए तब यहाँ आए अपने महतारी बाप से जुड़ते यहाँ घरे बताएं कहें कि सूर्यस और वहीं पीर थे दो जने लेके बहनी भाग गया है।